इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आज मैं फिजिकल साइंस का माध्यमिक परीक्षा का पेपर लेकर आया है 2020। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी को अगर सही जानकारी है, अगर सही तरीके से अध्ययन किया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। और सही तरीके से अगर नहीं पढ़ा गया है, केवल रट के या फिर वो जो है डिफिनेशन टाइप का क्वेश्चन अगर पढ़े हुए हैं, तो इसको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि 2021 में जो विद्यार्थी अपीयर होने जा रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि 2020 का जो क्वेश्चन आया है वो किस तरह से पूछा गया है। तो आज आप इसमें बहुत सारे जानकारी हासिल करेंगे, फिजिकल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है और उसका आंसर हम लोग किस तरह से सही आंसर लगा सकते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। आप देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1.1 का। इसमें कहा है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सा ओजोन परत में ओजोन को नष्ट करने में सहायक नहीं है। तो जो ओजोन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वही क्या करेगा, ओजोन को नष्ट नहीं करेगा। तो अब हम देखेंगे इसमें कि कौन सा जो है यौगिक है जो ओजोन से प्रतिक्रिया करके ओजोन के परत को खत्म कर देता है। तो देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये ओजोन से प्रतिक्रिया कर करके एक नए एलिमेंट्स बनाता है, जिससे कि ओजोन का परत नष्ट हो जाता है, ओजोन मतलब O3। दूसरा है NO2 भी ओजोन से प्रतिक्रिया करके उसे नष्ट कर देते हैं। CFC ओजोन से प्रतिक्रिया करता है और उसे भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन एक एलिमेंट, एक यौगिक देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको कि हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ये ओजोन परत को नष्ट नहीं करता है, इसलिए यहां पे हम ऑप्शन मारेंगे D। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि STP पर किसी आदर्श गैस के 11.2 लीटर के लिए PV का मान कितना होगा। तो आपको पता होगा कि PV बराबर क्या होता है, आदर्श गैस इक्वेशन में आप पढ़े हैं PV बराबर NRT पढ़े हैं ना, ये सूत्र आपको मालूम होगा फिजिकल साइंस में, PV बराबर NRT। अब यहाँ पे देखना है कि PV का मान कितना होगा जब एक आदर्श गैस के लिए 11.2 लीटर लिया गया है आयतन। तो देखिए, N का मतलब होता है एक मोल गैस में N मोल होता है, N अणु होता है, ठीक है। तो यहां पे बताया गया है कि 11.2 लीटर, तो चूंकि एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर का N होगा, 22 लीटर 4 में N मोल होगा, ठीक है। इसलिए यहां पे बोला गया है 11.2, तो चूंकि 22.4 लीटर में एक मोल हुआ, तो 11.2 में कितना होगा, 1/(11.2), इसको अगर हम काट देते हैं तो आता है 1/2, और 1/2 मोल का मतलब होता है 0.5, यानी यहां पे आपका N बराबर जो आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। तो अब देखिए, यही N को जब हम सूत्र में डालते हैं तो आता है PV बराबर 0.5 RT। तो अब इसको बनाने के बाद आप ऑप्शन में झांकिए और देखिए कि ये ऑप्शन आपको कहां मिल रहा है। तो देखिए, C नंबर जो ऑप्शन है, देख लीजिए यहां पे, C नंबर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन में आपको दिया है 0.5 RT। तो अर्थात N का वैल्यू हम यहां निकालेंगे कि एक मोल गैस में N अणु होते हैं, अर्थात 22.4 लीटर में एक मोल, तो इसलिए 11.2 लीटर में हम लोग पहले निकाल लेंगे जितना भी मोल होगा, और वो N के जगह पे हम क्या करेंगे, बैठा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सही आंसर निकाल सकते हैं। फिर आप देखिए 1.3, नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण के अनुसार 10 मोल CH4 को जलाने के लिए STP पर ऑक्सीजन का कितना आयतन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए कि 10 मोल कहता है CH4, एक मोल जलाने के लिए यहाँ पे कितना लग रहा है ऑक्सीजन के, तो 2
अणु ऑक्सीजन इसमें लग रहा है, यानी दो अणु लग रहा है, यानी दो मोल हम कह सकते हैं। तो चूंकि एक मोल CH4, एक मोल CH4 के लिए दो मोल O2 लगता है, ठीक है। इसलिए कितना 10 मोल है, तो 10 मोल CH4 को जलाने के लिए 10 × 2 बराबर होगा 20 मोल O2 की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देखिए 20 मोल कितना लीटर के बराबर होता है वो हम निकालते हैं। चूंकि एक मोल बराबर हम जानते हैं 22.4 लीटर होता है, इसलिए कितना मोल हमको चाहिए, O2 कितना मोल चाहिए, 20 मोल। तो 20 मोल बराबर होगा 20.4 × 20, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 448, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इतना लीटर आपका आया है। तो इसलिए अब देखिए इसको देख करके आप हिसाब बना लिए हैं, अब इसका ऑप्शन सही हम मार सकते हैं, जिसका ऑप्शन कितना में है, तो ए नंबर में दिया हुआ है 448 लीटर, ठीक है। तो 448 लीटर इसका सही आंसर होगा। 1.4 देखिए, 1.4 में क्या कहा, नीचे दिए गए पदार्थों में किसकी ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है, चांदी का, हीरा का, तांबा का, एल्युमिनियम का। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि हीरा का यहाँ पे देखा गया है कि इसका ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ विद्यार्थी जो है चांदी के ऊपर मार दिए हैं, लेकिन चांदी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है पदार्थ। यहाँ अगर धातु लिख देता कि नीचे दिए गए धातुओं में किसकी ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है, तब यहाँ पे चांदी ऑप्शन आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ धातु नहीं है, संसार के जितने भी पदार्थ है उन सभी पदार्थों में कहा जाता है कि हीरा का जो ऊष्मीय चालकता होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका आंसर आप हीरा लगाइएगा। आगे देखिए 1.5 नंबर का क्वेश्चन, 1.5 में कहते हैं यदि एक लाल किरण पुंज एवं एक बैगनी किरण पुंज किसी प्रिज्म के आनत तल पर वायु माध्यम के समान कोण पर आपतित होती है और क्रमशः बर्तन कोण आर तथा भी बनाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप जानते हैं कि प्रिज्म में जब हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाती है, क्लियर। इसमें देखा जाता है कि जो सबसे ऊपर रहता है वो आर रहता है और सबसे नीचे रहता है भी। इसका मतलब है कि जो इसका विचलन कोण बनता है, इसका ये मेन रास्ता है, इसका जो विचलन कोण बनता है ये सबसे कम आर का बनता है और सबसे ज्यादा किसका बनता है, भी का बनता है। इसका मतलब है कि आर जो होता है वो लेस देन होता है भी। अब ये ऑप्शन हम ढूंढेंगे क्योंकि इसका विचलन कोण सबसे कम और वायलेट का विचलन कोण सबसे अधिक, रेड का सबसे कम और वायलेट का अधिक, अर्थात आर क्या है, छोटा है भी की अपेक्षा। तो आप ऑप्शन यहाँ पे ढूंढेंगे, उसमें आपका ऑप्शन मिल रहा है आर इज लेस देन भी और यही क्या है, सही आंसर, क्लियर। चले आइए आगे 1.6। तो 1.6 में देखिए क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्रकाश का एक बिंदु स्रोत रखा गया है, इस स्रोत से दर्पण पर आपतित एवं दर्पण से परावर्तित किरण के बीच विचलन कोण का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण इस तरह का होता है, इसका एक वक्रता केंद्र होता है और यहां से जो भी किरण यहां से गुजरेगा तो वो क्या होता है, अपने ही मार्ग में वापस चले आते हैं। अब देखिए बहुत विद्यार्थी लोग का दिक्कत क्या होता है कि वो समझता है कि 0° सही होगा, लेकिन 0° कैसे सही होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ये आंसर इसका होता है 180°, क्योंकि देखिए ये जब किरण यहां से गुजरा और इससे टकरा करके फिर अपने ही रास्ता में वापस आ गया तो इसका विचलन कोण क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इसको जाना चाहिए इस दिशा में, परंतु ये यहां नहीं जा करके फिर क्या हुआ, 180° के कोण पर घूम करके फिर क्या हुआ, अपने ही मार्ग में वापस आया। तो चूंकि ये विचलन कोण हम यहां से देखें तो विचलन कोण इसका यहां से लेकर यहां होता है, और ये बताइए एक सरल रेखा में टोटल 180 डिग्री का
कोण बनता है और इसलिए तब इसका विचलन कोण कितना होगा 180 डिग्री, 0 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आप समझ करके यहाँ पे देखिए कि 180 डिग्री ही सही होगा क्योंकि हम यहाँ पे विचलन कोण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो विचलन कोण 180 डिग्री ये सही आंसर होगा। फिर चले आइए 1.7, विद्युत आवेश से संबंधित कूलम का नियम लागू होता है जब दोनों आवेश क्या होता है, दोनों बिंदु हो, क्योंकि हम लोग कूलम का नियम पढ़े हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, इसका नियम ही कहता है कि किन्हीं दो बिंदुओं का बीच, जैसे Q1 और Q2 दो बिंदु लिए हैं, तो दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल इन दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा बीच इसका जो दूरी होता है, इस दूरी के वर्ग के विलोम समानुपाती होता है। अर्थात ओम के नियम के अनुसार जो इसके बीच में फोर्स लगता है वो Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये कूलम का नियम है। तो कूलम का नियम में हम लोग क्या देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल जो होते हैं वो किसके समानुपाती होते हैं, तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा इसके बीच के दूरी जो आर होती है उसके वर्ग के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। इस तरह से हम यहाँ पे बिंदु परिभाषा में पढ़े, इसलिए बिंदु ही सही होगा। अब चले आइए 1.8, फ्यूज तार की विशेषताएं क्या है। तो फ्यूज तार के बारे में आप हमेशा ही पढ़े हैं कि इसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार क्या होता है कि हम जो विद्युत परिपथ है उसमें एक विशेष प्रकार का तार लगा देते हैं और ये तार जो होता है इसका प्रतिरोध काफी उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होने का कारण क्या होता है कि इसमें करंट जब प्रवाहित होते हैं तो इसमें काफी घर्षण लगता है और घर्षण लग करके ये टूट जाते हैं और टूट जाने से क्या होता है, इसका साथ से जो लगे उपकरण होते हैं वो उपकरण हमारा बच जाता है। तो इसका निश्चित रूप से मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, गलनांक इसका निम्न होना चाहिए तभी तो ये टूट पाएगा। तो इस तरह से इसका यही विशेषता है, इसलिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक इसका होना बहुत ही जरूरी है। बाकी सब ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल भूल दिया है, तो ये आंसर होगा। अब चले आइए 1.9 में देखिए, अल्फा कण में उपस्थित, अल्फा कण हम जानते हैं कि अल्फा कण जो होता है वो कहां से निकलता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो नाभिक होते हैं उसी से अल्फा कण बाहर निकलते हैं। और अल्फा कण जो होता है वो हीलियम एलिमेंट्स होता है और हीलियम एलिमेंट के बारे में आप जानते हैं कि हीलियम में क्या होता है कि इसका परमाणु संख्या दो होते हैं और मात्रा संख्या इसका चार होते हैं। तो अगर दो इसका परमाणु संख्या है तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा, दो होगा, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन होता है 4-2=2, अर्थात 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कि उसमें कहाँ मिल रहा है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा, एक प्रोटॉन नहीं होगा, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, इसलिए सही ऑप्शन हमको क्या मिल के आया है, सी नंबर सही ऑप्शन मिल करके आया है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, यही इसका सही आंसर। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए 1.10। अब 1.10 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का आवर्त गुण नहीं है। देखिए आवर्त गुण नहीं है पूछा, गलनांक है, घनत्व है, क्वथनांक है, ये सारे एलिमेंट्स का गुण है, परंतु रेडियो सक्रियता जो इसमें दिया हुआ है ये इससे अलग है, इसलिए रेडियो सक्रियता यहाँ पे आप निशान मार सकते हैं। उसके बाद आया है, निम्नलिखित यौगिकों में किसमें अणु का अस्तित्व नहीं है। तो देख लीजिए, इसमें एक है हाइड्रोजन क्लोराइड, एक है मीथेन, एक है अमोनिया। अब ये तीनों एलिमेंट्स को, ये तीनों यौगिक को जब हम देखते हैं तो इन यौगिकों में जो बंधन बनते हैं वो हमेशा सहसंयोजक बंधन बनते हैं, इसको कहते हैं कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये सारा कोवेलेंट कंपाउंड है और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और साझा के फलस्वरूप ये क्या करता है, बंधन बनाता है। जैसे CH4 को ही ले लें तो C एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इस तरह से इसके बीच में सहसंयोजक बंधन है। तो ये क्या होगा, अणु का अस्तित्व इसका होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें जो बंधन बनता है ये विद्युत संयोजक बंधन बनता है, अर्थात कैल्शियम के ऊपर जो आयन होते हैं
वो प्लस प्लस आयन होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस माइनस आयन होते हैं। तो ये करता क्या है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन का जो कमी होता है ये इसको प्रदान कर देता है, जिससे इसके बीच में जो बंधन बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनते हैं और इसलिए तब ये अणु के रूप में इसमें अस्तित्व नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे आंसर हम देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। बाकी सभी सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक हैं, इसलिए ये सारा मॉलिक्यूल्स बनाता है जो अस्थायी होते हैं। क्लियर। अब चलिए आगे 1.12। इसमें क्या करना, सीयू इलेक्ट्रोड के प्रयोग से CuSO4 घोल के विद्युत विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें से कहता है कौन सा कथन सही है, तो देखिए कैथोड की मात्रा घटती है, ये हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी विद्युत विच्छेदन हम लोग करते हैं तो विद्युत विच्छेदन में जो कैथोड को हम डालते हैं तो कैथोड में हमेशा क्या होता है, इसके अंदर एलिमेंट्स जमा होते हैं, ठीक है, अर्थात इसकी मात्रा बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कैथोड की मात्रा घटती है, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा एनोड, एनोड से क्या होता है, क्षय होता है, अर्थात इससे एलिमेंट निकल निकल करके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चले जाते हैं, इसलिए क्षय होने के कारण इसका मात्रा कभी बढ़ेगा नहीं, इसका मात्रा घट जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा है एनोड की मात्रा बढ़ती है, ये भी गलत, ठीक है, दो ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा कहता है घोल में CuSO4 की सांद्रता घटती है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितना मात्रा इसमें इसमें क्षय होकर आता है उतना ही मात्रा इसके अंदर चढ़ जाता है, इसलिए इसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है। घोल में CuSO4 की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि हम बार बार बताए हैं कि इसके अंदर जितना भी क्षय होता है ये क्षय होने वाला जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स इसके ऊपर कैथोड के ऊपर जाकर के जमा हो जाते हैं, इसलिए इसके सांद्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यानी घोल, घोल जिसमें कि हम कैनोड और कैथोड को डालते हैं, तो इसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका आंसर 6 होगा, ठीक है। अब चलिए 1.13, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के क्षारीय जलीय घोल में H2S गैस प्रवाहित करने पर कौन सा रंग उत्पन्न होता है। तो आप किताब में पढ़े होंगे कि इसको जब आपस में प्रतिक्रिया कराते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और H2S तो बैंगनी रंग का एक पदार्थ बनता है, इसलिए यहाँ पे हम बैंगनी रंग लिख सकते हैं। अब देखिए 1.14, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहा, लोहे के अयस्क रेड हेमेटाइट का सूत्र क्या है। तो देखिए इसका जो सूत्र है वो आप बुक में पढ़े होंगे, इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 इसका अणु सूत्र है जो कि रेड हेमेटाइट का है, इसलिए आप सही ऑप्शन बी लगाएंगे। क्लियर। अब चले आइए 1.15, इसमें कहा निम्नलिखित में से किस यौगिक के साथ जलीय NaHCO3 की प्रतिक्रिया से CO2 उत्पन्न होती है। तो देखिए यह है एसिटिक एसिड CH3CH3COOH, यह है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जब NaHCO3 से प्रतिक्रिया करती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, बाकी ये जो यौगिक दिए हुए हैं ये यौगिक से प्रतिक्रिया कर CO2 उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, सही आंसर होगा। अब चले आइए विभाग ख, विभाग ख में 2.1 देखिए, कोल बेड से कौन सी ईंधन गैस प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो कोल बेड मिथेन, इसका फुल फॉर्म होता है कोल बेड मिथेन। तो कोल बेड मिथेन जो है यहाँ पे बात आ रहा है मिथेन गैस, तो इससे मिथेन गैस प्राप्त किया जाता है जो समुद्र के अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं वो एक जगह संग्रह हो जाते हैं और वहां पे उसका विघटन होने से मिथेन गैस बनता है, CH4 गैस बनता है, ठीक है, और यही ईंधन के रूप में निकाला जाता है। तो ये है CBM यानी कोल बेड मिथेन, इसलिए यहाँ पे हम मिथेन लिख सकते हैं, मिथेन। क्लियर। अच्छा, वायु में उपस्थित उस गैस का नाम बताइए जिसकी मात्रा में वृद्धि वैश्विक उष्णता का कारण है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस जिम्मेवार है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर CO2 होगा। अब आइए 2.2,
एक ऊर्जा स्रोत का नाम बताइए जो स्थितिशील वृद्धि और विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो किसी भी देश के विकास के लिए या किसी भी उद्योग के विकास के लिए आवश्यक है। तो आप इसमें जो मर्जी है ऊर्जा दे सकते हैं। जो कैसा होना चाहिए, तो नॉन कन्वेंशनल होना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा हम दे सकते हैं, सौर ऊर्जा है ना, ये आपका सही आंसर है। विद्युत ऊर्जा भी आप दे सकते हैं, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, उष्मा ऊर्जा जो भी आप देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। इन्हें सभी ऊर्जाओं के कारण स्थितिशील वृद्धि और विकास में प्रयोग किया जाता है। अब नीचे देखिए, नीचे दिया गया कथन सत्य है या असत्य लिखिए। निश्चित तापक्रम एवं दबाव पर किसी बंद पात्र में रखी गई गैस में अणुओं का वेग समान होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि निश्चित तापक्रम एवं दबाव पर, यानी एनटीपी पर, इसके अंदर जितने भी गैस हैं सबका क्या होता है, मूवमेंट जो होता है यानी वेग जो होता है वो बिल्कुल समान होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सत्य। ये जो कथन दिया हुआ है वो सत्य है। अब आगे बढ़ जाइए। अब देखिए 2.4 में क्या कह रहा है, चार्ल्स के नियम के अनुसार वी और टी के बीच ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो जब चार्ल्स के नियम में हम ग्राफ बनाते हैं, और किसके किसके बीच बनाते हैं, इधर गैस का आयतन ले लेते हैं और इधर टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। तो जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो देखा जाता है कि वी और टी के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, यानी एक सरल रेखा में इसका समीकरण, ये ग्राफ का जो लाइन होता है एक सीधा सरल रेखा में आता है, यानी स्ट्रेट लाइन में आता है। तो स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ का पोजीशन आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब चले आइए 2.5। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए। तांबा, इनवर और लोहे में लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक सबसे कम होता है। तो ये क्या है, गलत, क्योंकि इनवर का सबसे यहां पे क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहां पे लिख देंगे असत्य, ठीक है। लोहे के से भी कम इनवर का होता है। अच्छा, आयतन प्रसार गुणांक की इकाई क्या है, हम लोग जानते हैं कि इसका इकाई होता है डिग्री सी, प्रति डिग्री सी, या फिर होता है इसको हम प्रति डिग्री सी को डिग्री सी -1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट यानी प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं, या फिर प्रति डिग्री के भी लिख सकते हैं। तो आप जो मर्जी हो इसमें से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इकाई का ये पद्धति नहीं दिया है। अगर CGS पद्धति में पूछा गया है ना, तो आप C लिखेंगे, C inverse 1 लिखेंगे, और अगर केल्विन में पूछा जाए, ठीक है, तो केल्विन में आपका यानी SI पद्धति में अगर पूछा जाए तो आप K-1 है ना, डिग्री K-1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका इकाई हम 2.6 में देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव का क्या अर्थ होता है। गोलीय दर्पण का ध्रुव कहने का मतलब होता है कि ये जो इसको कहते हैं परावर्तक तल, इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको हम ध्रुव कहते हैं। तो इसको हम सीधा लिख देंगे कि दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। दर्पण का परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अर्थात ये पी जो है इसको हम पोल भी कहते हैं, या इसी को ध्रुव कहते हैं। ये इसका परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु है, क्लियर। अब चलते हैं 2.7। एक्स किरण का एक उपयोग लिखिए। तो देखिए, एक्स किरण का बहुत सारे उपयोग है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप लिख सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। इसमें हम लोग देखते हैं कि हड्डी अगर टूट जाता है तो हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जहां टूटा हुआ भाग है वहां से एक्स का किरण बाहर निकल जाता है और जो हड्डी है वहां से वापस लौट आता है, जिससे क्या होता है कि इसका एक प्रतिबिंब बन जाता है, एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर तस्वीर बन जाता है। तो इसकी हमें जानकारी मिल जाती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा है 2.8, एक यंत्र का नाम लिखिए जिसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो अगर तार में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है और इसको अगर चाहे कि किसी तरह से मैकेनिकल वर्क करा ले, तो देखिए मोटर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मोटर में क्या होता है, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं वो मोटर चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसलिए सबसे अच्छा इसका उदाहरण मोटर दे सकते हैं, इसके साथ साथ पंखा भी दे सकते हैं, क्योंकि पंखा में भी वही होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी। अब आते हैं 2.9 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें कहा कि घरेलू परिपथ में लाइफ वायर के अतिरिक्त अन्य दो तार कौन से होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी परिपथ में तीन तरह के तार होते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के तार होते हैं, उसमें एक पहला होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है, और तीसरा होता है अर्थ वायर। तो अब बताइए इसमें से क्या हमको दिया है, बोल रहा है लाइव वायर के अलावा, तो इसके अलावा और दो वायर है जो कि न्यूट्रल वायर है और अर्थ वायर है। इसको उदासीन तार कहते हैं, हिंदी में अगर लिखें तो उदासीन तार कहते हैं, इसको भू तार कहते हैं। तो इस तरह से उदासीन तार और भू तार इसका आंसर आप लिख सकेंगे। फिर आया 2.10, इसमें क्या करा, न्यूक्लियर रिएक्टर में किस प्रकार के नाभिकीय क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको कहते हैं केंद्रकीय विखंडन, या इसको कहें नाभिकीय विखंडन। देखिए यहाँ पे नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक अगर टूटता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात इसमें परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होते हैं और जो क्रिया इसमें होते हैं वो है नाभिकीय विखंडन। अब चले आइए इसका अथवा में एक प्राकृतिक रेडियो तत्व का उदाहरण दीजिए। अगर ये सवाल नहीं आता है तो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व आपका यूरेनियम है, रेडियम है, जो मर्जी इसमें से लिख सकते हैं, यूरेनियम लिख सकते हैं, रेडियम लिख सकते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। अब 2.11 में देखिए मैचिंग करना है आपको, यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है ऑप्शन, इसको सोच समझ के मैचिंग करना है। देखिए सबसे पहले एक आता है ट्रांस यूरेनिक तत्व, तो एक ट्रांस यूरेनिक तत्व इसमें क्या है, नेपच्यूनियम, तो नेपच्यूनियम में आप लगाइएगा दा, नेपच्यूनियम। दूसरा एक आदर्श तत्व, तो आदर्श तत्व यानी नोबल गैस जितने भी होते हैं सबको आइडियल एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन। तो इसमें से देखेंगे कि कौन सा है, तो देखिए क्रिप्टन आपका एक एलिमेंट्स दिया गया है जो कि आदर्श तत्व है। धात्विक ऑक्साइड के कार्बन अवकरण द्वारा प्रस्तुत, ये किसके द्वारा उत्पन्न, कौन सा तत्व जो है इसके कारण उत्पन्न होते हैं धात्विक ऑक्साइड और कार्बन अवकरण प्रस्तुत के द्वारा, तो ये है जस्ता। जस्ता जो है कार्बन का अवकरण विधि द्वारा इसे निकाला जाता है। और एक है मिश्र धातु पीतल में वह धातु जिसकी प्रतिशत मात्रा दूसरी धातु की तुलना में अधिक हो, तो इसमें देखिए मिश्र धातु पीतल में तांबा अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको हम तांबा में मिला सकते हैं, तो इसको ठीक तरह से मैचिंग कर सकते हैं। अब चले आइए 2.12, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म एवं सोडियम क्लोराइड में कौन से जल में घुलनशील नहीं है। देखिए सोडियम क्लोराइड नमक हम लोग जानते हैं, जल में डालते हैं घुल जाता है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। अब कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म ही है जो कि जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं बल्कि ये कार्बनिक घोलक में ही घुलनशील होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्लोरोफॉर्म होता है। अब आगे बढ़िए 2.13, एक धातु का नाम लिखिए जिसका निष्कर्षण विद्युत विश्लेषण विधि से किया जाता है। तो देखिए विद्युत विश्लेषण विधि से जो एलिमेंट्स को हम लोग अलग किए हैं या तैयार किए हैं वो जो सिलेबस में दिया है वो देखिए सीयू है अथवा अल्मीनियम है, तो आप इसमें कार्बन कॉपर और अल्मीनियम ये दोनों से कोई एक भी लिख देने से आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अथवा पीतल के चम्मच पर चांदी का विद्युत लेपन करने में किसका एनोड बनाया जाता है। तो इसको अच्छी तरह से समझिए 2.13 में अथवा में जो दिया है कि किसी भी धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु का परत जब चढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड के द्वारा हम उसके ऊपर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, तो जिसमें हम क्या करते हैं एक एनोड बनाते हैं, दूसरा क्या बनाते हैं एक कैथोड बनाते हैं,
और इसके अंदर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, यानी विद्युत विच्छेदन पात्र के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में जो डालते हैं वो घोल के अंदर जो जिसका हम विद्युत विच्छेदन करते हैं, जिसका जैसे इसके अंदर तांबा का, तांबा के ऊपर अगर हम एजी का परत चढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि जिसका परत चढ़ाना हो उसको उसको हम एनोड बनाते हैं, और जिसका जिसके ऊपर परत चढ़ाना होता है उसको हम कैथोड बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे पूछा जा रहा है कि पीतल के चम्मच, तो चम्मच मान लिया जाए अगर ये है, ये मान लिया चम्मच है, तो चम्मच को क्या बनाएंगे, कैथोड, और चांदी का लेप चढ़ाना है तो चांदी को एनोड बनाएंगे, ताकि ये चांदी इसमें से धीरे धीरे क्षय होगा और इसके ऊपर क्या होगा, चढ़ेगा। तो इसलिए हमेशा इसमें याद रखा जाता है कि जिसके ऊपर परत चढ़ाया जाता है उसको हम लोग कैथोड बनाते हैं, और जिस चीज का परत चढ़ाया जाता है, जैसे चांदी का परत चढ़ाया जा रहा है तो चांदी को एनोड बनाएंगे। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से कौन सा एनोड होगा, तो लिख देंगे शुद्ध चांदी, शुद्ध चांदी, शुद्ध चांदी का एनोड बना देंगे। अब आइए 2.14, विद्युत विश्लेषण में किस ऊर्जा से रासायनिक क्रिया होती है। तो देखिए यही विद्युत विच्छेदन है, और इसमें क्या होता है कि इसमें किस ऊर्जा से कहा, इसमें रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक इसके अंदर रासायनिक पदार्थ में जो है विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड डाला जाता है और इसमें बैटरी भी हम लोग लगाते हैं, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी लगता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत विश्लेषण में ऊर्जा का रासायनिक क्रिया जो होती है, किस ऊर्जा से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, इसमें जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही है वो विद्युत ऊर्जा के कारण हो रही है, क्योंकि हम इसमें बैटरी डाले हैं और बैटरी के द्वारा हम इसका विद्युत विश्लेषण कर रहे हैं। अब देखिए 2.215, उपयुक्त लिटमस पेपर की सहायता से दिखाइए कि अमोनिया का जलीय घोल क्षारीय प्रकृति का होता है। तो एक हम लोग फवारा का प्रयोग पढ़े थे, याद करिए, तो फवारा का प्रयोग में होता क्या है कि हम यहाँ पे रेड लिटमस का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और इसको एक पाइप के सहायता से हम क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ भेजते हैं, जिससे कि यहाँ पे गुलाबी रंग का फवारा दिखाई देता है, ब्लू रंग का फवारा इसमें दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि रेड लिटमस पेपर से ही हम लोग किसका जांच करते हैं, तो अमोनिया गैस का पहचान करते हैं, और ये पता करते हैं कि ये क्षारीय प्रकृति का है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा इसका रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड हिंदी में अगर लिखें, रेड लिटमस सॉल्यूशन, और हिंदी में अगर लिखें तो लाल लिटमस घोल, लाल लिटमस घोल इसका सही जवाब है, सही आंसर। अब चले आइए, या अगर ये नहीं बना तो आप अथवा में चले आइए, इसका प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन सा चीज बनता है। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ प्रतिक्रिया किया H2S, तो इसमें बनेगा सोडियम हाइपोसल्फाइड, इसको कहते हैं NaHS, ठीक है, इसको सोडियम हाइपोसल्फाइड कहते हैं, ये प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, इसको केवल भर देना पड़ेगा। यूरिया का एक उपयोग, देखिए यूरिया का उपयोग क्या है, यूरिया हम लोग उर्वरक के रूप में व्यवहार करते हैं, ये भी उपयोग इसका लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ये कालाजार का औषधि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 2.17, प्रोपेनॉन का संरचनात्मक सूत्र लिखें। तो प्रोपेनॉन आखिर है क्या, देखो प्रोपेनॉन ये IPUC नेम है ये, ठीक है, प्रोपेनॉन, इसको हम कहते हैं डाइमिथाइल कीटोन, इसका दूसरा नाम है डाइमिथाइल कीटोन। तो जिस तरह से नाम है, आप अगर इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो CH3 C double bond O CH3, ये इसका अनुसूत्र है, ये कार्बनिक यौगिक है, इसको अगर संरचना सूत्र लिखेंगे तो C डालेंगे और H यहाँ पे डालेंगे और सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन होगा, डबल बॉन्ड होगा, और फिर C होगा, H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, ये इसका संरचना सूत्र है। तो आपको यहाँ संरचना सूत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो आप ये लिखेंगे,
ये इसका संरचना सूत्र है, ये इसका सही आंसर है। क्लियर प्रोपेलोन का। अब आता है बोलर के ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एक अकार्बनिक यौगिक से एक कार्बनिक यौगिक प्रस्तुत किया, वह कार्बनिक यौगिक कौन सा, वो है यूरिया। ठीक है, कौन सा है, यूरिया, उन्होंने यूरिया ही बनाया। NH3 CO NH, NH2 CO NH2, ये है यूरिया का अनुसूत्र। तो यही एलिमेंट्स उन्होंने क्या किया, बनाया था, इसलिए यहां पे आंसर हो जाएगा यूरिया पहला यौगिक बनाया। उसके बाद 2.18 एक विघटनकारी प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण दीजिए। देखिए जो जिसका डिग्रेडेशन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एक तरह का पॉलीमर है, इसको बहुलक भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज या प्रोटीन, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक पॉलीमर है जो कि डिग्रेडेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आइए विभाग भो में, इसमें कुछ क्वेश्चन हम चुन चुन करके बनाएंगे जिसमें कि मैथमेटिक्स से संबंधित है, जो जिसका कि जवाब हम लोग कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। ठीक है, तो 3.2 में देखिए सवाल, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम और 700 mmHg पारे के दबाव पर 32 ग्राम ऑक्सीजन और 44 ग्राम CO2 गैसों के आयतन का अनुपात ज्ञात करिए। तो इसको हम सवाल कैसे बनाएंगे, ये 2 नंबर का सवाल आता है परीक्षा में, तो इसको हम बनाने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 तरह के एलिमेंट्स है, एक है O2 गैस, ठीक है, और दूसरा है CO2 गैस। ठीक, अब इसमें जो हम सूत्र लागू करेंगे, इसका पूछा गया है कि इसके आयतन का अनुपात, तो इसका आयतन अगर हम PV बराबर NRT ये सूत्र में इसका आयतन निकालना चाहें, और इसका भी PV बराबर NRT में बैठाकर इसका आयतन अगर निकालना चाहेंगे, तो उस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का जो गैस है इसमें दबाव यहाँ पे दिया है कितना, 700 दिया है, तो यहाँ पे हम P के जगह पे 700 लिख सकते हैं। अच्छा, इसका आयतन दिया नहीं है, इसको V1 मान सकते हैं, बराबर इसका N जो दिया है, N का मतलब होता है इसका अणु, तो इसका अणु भार बराबर होता है W डिवाइडेड बाय M, और इसका R जो होता है, इसका R जो दिया गया है ये होता है इसमें W, और इसमें इसको अगर देखिए तो चूंकि N बराबर W डिवाइडेड बाय M, ये होता है यौगिक का मात्रा और ये होता है उसका मोलकुलर वेट। ठीक है, और R का मान जो है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन इसका मान होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, और T का मान आप यहां से ले लीजिए, T का मान 27°C है, लेकिन आप यहां पे इसको केल्विन में बदल सकते हैं, तो 273 में आप जोड़ दीजिए 27, आ जाएगा 300°K, तो 300K हम यहां पे ले सकते हैं। तो चलिए ये 300 हो गया, इसलिए इसका मान हम पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, W का मतलब यहां पे था वेट, तो इसका वेट दिया 32, और इसका मोलकुलर वेट भी जब निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो ये आएगा 32 × 8.3 × 300 और डिवाइडेड बाय 700। उसी तरह से आप यहाँ पे अगर हम इसको V1 मानते हैं और इसको V2 मानते हैं, तो और इसको अगर P1 माने, ठीक है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, इसको T1 माने और यहाँ पे T2 मान लेते हैं। ठीक है, इस गैस के लिए अलग अलग हम मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे P के लिए फिर 700 हम बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, इसलिए इसको हम 700 बैठा देते हैं। अब V2 इसका रहने देते हैं, बराबर N के जगह पे फिर वही W डिवाइडेड बाय M इनटू R के लिए 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, इसका मान होता है जो कि दोनों में कांस्टेंट होता है, इनटू T2 के जगह पे आप
300 है तो इसका भी 300, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, बैठा सकते हैं। और V2 बराबर अगर हम निकालें तो इसका W देखिए, तो CO2 का अगर हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे तब भी आएगा 44, और इसका वेट भी यहाँ पे दिया है 44, तो इसके 44/44 8.3 × 300 इसको हम लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 700 लिखते हैं। अब यहाँ पे हमको V1 और V2 के बीच में अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इसमें से देखिए जो कटेगा उसको काट लीजिए ताकि बैठाने में सुविधा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आया 8.3 × 3/7, और इधर भी देखिए ये कट जाएगा, इधर 0.0 भी आप काट दीजिए तो यहाँ भी आ जाएगा 8.3 × 3/7। अब आप इसको भी काट सकते हैं, आया 1:1। इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये दोनों के बीच में आयतन का जो अनुपात है वो 1:1 हो गया, तो इसको 1:1 लिख सकते हैं, क्लियर। आप इस सूत्र से आप इसका बना सकते हैं, इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए 3.3.2 का अथवा में जो सवाल दिया है वो क्या है, देखिए -13°C तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन दिया गया है 520 cm³, दबाव अपरिवर्तित रखते हुए, मतलब दबाव को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, अपरिवर्तित रखते हुए जब गैस को गर्म किया जाता है तो इसका आयतन 700 cm³ हो जाता है, तो गैस का अंतिम तापक्रम डिग्री सेल्सियस में निकालिए। तो यहाँ पे देखिए चार्ल्स का नियम होगा, क्योंकि दबाव को क्या किया है, अस्थिर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहे हैं, टेम्परेचर T1 कितना है, तो T1 है -13°C, इसको हम बदलेंगे केल्विन में, तो -13 और +223, इसको अगर माइनस करेंगे तो 0 और 6 2, तो इतना केल्विन में इसको बदल लीजिए। उसके बाद इसका V1 कितना है, तो 520 cm³, ठीक है, इसका प्रारंभिक आयतन, ये प्रारंभिक तापक्रम, ठीक है, और इसका अंतिम आयतन क्या है, अंतिम आयतन इसका है V2, तो V2 बराबर दिया है 700 cm³, तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है T2 बराबर वाट, यानी अंतिम तापक्रम निकालना है। तो यहाँ क्या अस्थिर है, दबाव अस्थिर है, दबाव अपरिवर्तित है या अस्थिर, इसलिए चार्ल्स के नियम से हम बनाएंगे इसको, चार्ल्स का नियम क्या है, V1/T1 = V2/T2, ये आप पढ़ चुके हैं, V1 के जगह पे बैठा देंगे 520, V1 के जगह पे यहां से उठा लीजिए, डिवाइडेड बाय T1 यहाँ पे देखिए कितना है, 260 बराबर V2। अब देखिए V2 के जगह पे यहाँ पे क्या बैठा देंगे, तो V2 के जगह पे जो मान दिया हुआ है, तो V2 के जगह पे कितना दिया हुआ है, 700, तो यहाँ पे 700 बैठा देंगे, और T2 के जगह पे वाट कर लेंगे, क्योंकि T2 हमको निकालना है। अब इसमें काट लीजिए, दो बार में कट जाएगा, और इसको भी काट लीजिए 350। तो अब इसको हम अगर हम इस तरह से देखें तो 350 / T2, और T2 बराबर हो गया 350 K। अब इसको हम बदलेंगे क्या चीज में, तो इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे, तो 273 इसमें क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, 10 में 3 गया 7, 4 में 14 में 7 गया 7, तो 77°C है ना, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि T2 होगा। तो इस तरह से आप सवाल को करेंगे तभी इसका सटीक आंसर निकलेगा, ऐसे इसको इस तरह से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, तो ये यहां तक देख लिया, अब देखिए इसमें हम न्यूमेरिकल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ही हम यहाँ पे बनाएंगे, आप जो है न्यूमेरिकल का वीडियो इसमें आप देख सकते हैं, तो न्यूमेरिकल हम खोज के इसको बना रहे हैं, न्यूमेरिकल इसमें देखिए और कहाँ पे है न्यूमेरिकल सवाल, और कहाँ कहाँ पे है, देखिए एक न्यूमेरिकल सवाल हमको मिला है 4.2, ठीक है। अब इसमें देखिए 4.2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में A और B प्रतिक्रिया करके C बनाया, तो दो
मॉलिक्यूल्स ए का है और बी का एक मॉलिक्यूल्स है और ये प्रतिक्रिया करके 2C बनाए। तो अब देखिए यहां कह रहा है ए बी और सी तीन गैसीय पदार्थों के अणुसूत्र है, ए बी और सी। ए और बी के वाष्प घनत्व 32 और 16 है। ए का है, ए का वाष्प घनत्व कितना दिया है, वाष्प घनत्व दिया है 32। इसलिए ए का अनुभार निकाल लेंगे। अनुभार क्या होता है, वाष्प घनत्व का दुगुना होता है, 32 × 2 बराबर 64 निकाल लिए, अनुभार निकाल लिए। अच्छा बी का कितना है, बी का वाष्प घनत्व कितना दिया है, वाष्प घनत्व बराबर दिया है 16। इसलिए बी का क्या निकाल लेंगे आप, अनुभार निकालेंगे। अनुभार कितना होगा, तो 16 × 2 = 32 अनुभार निकाल लिए। अब देखिए सी का वाष्प घनत्व ज्ञात करिए, तो अब देखते हैं कि दोनों का योग कितना होता है, तो 2 × ए का अनुभार है 64 यहाँ पे बैठाते हैं और प्लस बी का अनुभार है 32 ठीक है, और तब ये बराबर किसका हो जाएगा, 2C का बराबर हो जाएगा। तो सी का अनुभार हम निकाल सकते हैं, तो अब बोलिए कितना हो जाएगा, तो 128 + 32 = 2C या इसको जोड़ दीजिए 160 = 2C या C बराबर हो जाएगा 160 / 2 80 हो गया या C = 80। तो ये C का क्या आया, ये अनुभार है, इसलिए C का अनुभार बराबर 80। लेकिन यहां पे पूछा है C का वाष्प घनत्व ज्ञात करिए, इसलिए C का वाष्प घनत्व अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अनुभार का आधा यानी 80 / 2 = 40। तो इसका आंसर आ गया आपका 40 और ये इसका सटीक आंसर है जो कि 3 नंबर इसमें आपको मिलने वाला है ठीक है। अब चलिए उसी में एक और सवाल दिया है अथवा करके, इसमें क्या दिया गया है सो देखिए। समीकरण है 2ZnS + 3O2 इससे बनता है 2ZnO + 2SO2 बनता है। तो यहां पर कह रहा है कि ZnA के 100 मोल लिया है, ZnS का कितना लिया है बराबर 100 मोल लिया इसका। तो क्या पूछा जा रहा है, एक नंबर पूछा कितना ग्राम ZnO बनेगा। तो देखिए यहां पे कि ZnS जो लिया गया है इसमें 2 मोल ZnS लिया है, तो 2 मोल ZnO बनेगा। तो 100 मोल अगर लेगा तो 100 मोल ही बनेगा, तो लिखेंगे चूंकि 2 मोल ZnS से 2 मोल क्या बनता है, ZnO बनता है। क्लियर है, इसलिए बोलिए 1 मोल से कितना बनेगा, तो 2/2 मोल ZnO, और हमको कह रहा है कि 100 मोल लिया गया है, तो 100 मोल से कितना बनेगा, तो 100 × 2/2 मोल ठीक है ZnO बनेगा। इसको काट ले, यानी 100 मोल यहां पर क्या बना, ZnO बना ठीक है। लेकिन यहां पर ग्राम में पूछा है, तो ZnO का अनुभार निकाल लेते हैं, तो ग्राम में पता चल जाएगा। अनुभार बराबर निकालिए, तो 65.5 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 60 ठीक है, इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, तो आता है 81.5 इसका अनुभार आया। अब चूंकि ये 1 मोल का क्या है, वजन है, इसको ग्राम में हम बदल देते हैं ठीक है, तो इतना ग्राम आया है, तो हमको 100 मोल ZnO का चाहिए, तो लिखेंगे इसलिए 100 मोल ZnO का मात्रा, इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 81.5 × 100 ठीक है, 100 करेंगे तो आएगा 8150 और इतना ग्राम। तो एक आंसर जो दिया हुआ है एक नंबर का, ये आंसर आपका आ गया कि 100 मोल ZnO का मात्रा कितना होगा, तो 8150 ग्राम, पहला नंबर सही हो गया। अब देखिए इसी में दूसरा नंबर जो पूछा जा रहा है, यहां देखिए 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि SO2 का कितना मोल उत्पन्न होगा। तो देखिए बहुत आराम है, 2ZnS 2 मोल ठीक है, 2 को हम 2 मोल लिख सकते हैं, तो 2 मोल ZnS से 2 मोल क्या बना,
2 मोल SO2 बना, ठीक। तो इसलिए यहां पे पूछा जा रहा है कि 100 मोल ZnS से कितना बनेगा, तो चूंकि 2/2 मल्टीप्लाई 100 मोल SO2 बनेगा, इसको काट लीजिए, बराबर 100 मोल क्या बनेगा SO2, अर्थात 100 मोल ZnS से आपको 100 मोल SO2 भी बनेगा, क्योंकि मोल में यहां कहा है इसलिए इसको हम ग्राम में व्यक्त नहीं करेंगे, 100 मोल ही इसका क्या करेंगे आंसर लिख देंगे, क्लियर है। अब आगे हम खोजते हैं, एक क्वेश्चन आ गया है, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, देखिए। यहां देखिए 4.5 नंबर, देखिए एक प्रिज्म का मुख्य काट समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज है तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। उसके बाद दिया है कि एक अपवर्तक तल पर 30 डिग्री का कोण आपतित होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं I1 बराबर 30 डिग्री है, और दूसरी अपवर्तक सतह से 45 डिग्री के कोण पर निर्गत होते हैं, यानी I2 बराबर हुआ 45 डिग्री, ठीक है। तो आप जानते हैं कि विचलन कोण का सूत्र डेल्टा बराबर होता है I1 प्लस I2 माइनस A, ये आप पढ़ चुके हैं, इसको साबित भी कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए डेल्टा बराबर I1 के जगह पे 30 डिग्री बैठाएंगे, I2 के जगह पे 45 डिग्री बैठाएंगे और माइनस 60 डिग्री, क्योंकि देखिए बीच ये जो होता है ये अप ये जो ए जो है ये प्रिज्म का एंगल होता है, इसलिए 60 डिग्री यहाँ पे बैठाएंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 75 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री, और यही आपका विचलन कोण का मान हो गया। तो आप देख लिए, अब चले आइए अथवा इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहा, प्रकाश तरंग की लंबाई वायु माध्यम में कितना दिया, ये वायु माध्यम में दिया करने का मतलब निर्वात में दिया है, यानी निर्वात में दिया है इसका तरंग लंबाई 6000 एंगस्ट्रम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बर्तनांक दिया है, बर्तनांक दिया है 1.5, ठीक है, बर्तनांक का इकाई नहीं होता है इसलिए 1.5 लिखेंगे। तो चूंकि बर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश के तरंग लंबाई डिवाइडेड बाय किसी माध्यम में प्रकाश का तरंग लंबाई। तो यहां पे पूछ रहा है कि माध्यम में प्रकाश के वेग एवं तरंग लंबाई क्या होगी, तो पहले हम तरंग लंबाई निकाल लेते हैं फिर वेग निकालेंगे, या 1.5 किसके जगह पे बैठाएंगे, बर्तनांक के जगह पे, और निर्वात में प्रकाश के तरंग लंबाई दिया है 6000, ठीक है, बैठा देंगे, और डिवाइडेड बाय किसी माध्यम में तरंग लंबाई, इसको अगर हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो क्रॉस गुना अगर करेंगे तो होगा 1.5x इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रम, या x इक्वल टू हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 1.5, या x इक्वल टू होगा 6000 डिवाइडेड बाय 15 × 10 कर दीजिए, इसको काट लीजिए, आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रम। तो इसलिए 4000 एंगस्ट्रम जो होगा वो जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उस माध्यम में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की लंबाई होगी। और इसमें एक चीज और पूछ दिया है कि तरंग लंबाई तो हो गया, प्रकाश का वेग कितना होगा, तो प्रकाश का वेग देखिए निर्वात में हम लोग को पता है, क्योंकि फिर एक बार बैठाइए आप, बर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग और डिवाइडेड बाय उस माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। तो हमको तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले बर्तनांक 1.5 बिठाइए, और निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 3×10⁸ और डिवाइडेड बाय उस माध्यम में प्रकाश का वेग अगर भी मानते हैं तो यहां पे हो जाएगा भी 3×10⁸, या भी 3×10⁸
और डिवाइडेड बाय 1.5, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 15 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 से काट लीजिए इसको, 2 से काट लीजिए, आएगा 2 × 10⁸, ठीक है, मीटर वेग है इसलिए मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका सही सटीक आंसर आ गया। तो एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया, आप निश्चित रूप से इसको बना सकते हैं। अब चले आइए 4.6, देखिए इस सवाल में क्या कहा रहा है, इसमें कह रहा है कि समान लंबाई के दो धातु के चालक तार ए और बी की प्रतिरोधकता, देखिए इसको समझिए अच्छी तरह से समझिए, ये एक तार है ठीक है और दूसरा तार ये है, देखिए दोनों तार का लंबाई यहां पे क्या कर रहा है कि दो समान लंबाई है, इसका लंबाई अगर L मानते हैं तो इसका भी लंबाई L हो जाता है, क्लियर ठीक है, और इसका दिया है कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, रो इसका कितना है 1.6 × 10⁻¹ है ठीक है ओम मीटर, और इसका प्रतिरोधकता है 3.2 × 10⁻¹। अच्छी तरह से समझिए, ये दोनों तार है ठीक है, लंबाई देख लिए हैं, रो भी देख लिए, इसका भी रो यही है, इसका रो अलग है, इसका रो वन मान लेते, इसका रो टू मान लेते हैं। अच्छा, दोनों चालकों को समान विभवांतर से अलग अलग जोड़ दिया जाता है, देखिए इसका विभवांतर समान है, यानी इसका विभवांतर को अगर भी मानते हैं तो इसका विभवांतर भी भी ही होगा क्योंकि दोनों क्या है समान है ठीक है, इसका विभवांतर विभवांतर दोनों का क्या है समान है ठीक है। अब चलिए प्रत्येक में समान विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, देखिए अब विद्युत धारा भी कहता है इसमें समान प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें आई अगर प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा इसमें अगर आई प्रवाहित हो रहा है तो इसमें भी क्या हो रहा है विद्युत धारा आई ही प्रवाहित हो रहा है, अब दोनों का अनुप्रस्थ काट का अनुपात क्या होना चाहिए, यानी इसका अनुप्रस्थ काट इसका अगर A1 मानते हैं और इसका A2 अगर मानते हैं, तो इन दोनों के बीच में अनुपात हमको पूछा जा रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले प्रथम तार के लिए अगर हम देखें, प्रथम तार के लिए हम एक सूत्र बैठाते हैं, वो सूत्र है R बराबर रो L बटे A ठीक है, यही हमारा सूत्र किसका है तो प्रतिरोध का सूत्र है, लेकिन यहां पे देखिए प्रतिरोध का बारे में कहीं चर्चा नहीं किया है, तो प्रतिरोध के लिए हम भी बटे आई बैठा सकते हैं, भी बटे आई क्यों, क्योंकि देखिए R बराबर होता है भी बराबर आई आर होता है, इसलिए R का मान आप इसमें विभवांतर और विद्युत धारा के रूप में आप इसको परिवर्तित कर लीजिएगा, और इसका रो एल बाय ए, तो यहां पे चूंकि पहला के लिए हम निकाल रहे हैं इसलिए इसको आर वन लेते हैं, तो इसको भी और आई रहने देते हैं क्योंकि दोनों में कॉन्स्टेंट है, देखिए भी और आई रहने देते हैं, इसको एल वन ले लेते हैं, इसका ए वन ले लेते हैं, तो अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या क्या बैठाएंगे, इसका निकालना क्या है, तो इसमें कह रहा है कि एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है ठीक है, तो एरिया अगर निकालने के लिए कहा जा रहा है तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन इंटू भी बराबर रो एल वन आई वन ठीक है, या इसका अगर हम ए वन निकालेंगे तो रो एल वन आई वन डिवाइडेड बाय भी ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें आर टू बराबर रो टू लिख देते हैं, इसको रो वन अगर करते हैं तो रो टू और एल टू और ए टू ठीक है। अब यहां भी उसी तरह से अगर हम कहें तो भी बटे आई दोनों का तो सेम है ना, इसलिए रो टू एल टू और ए टू, अब अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ए टू इंटू भी इजकल टू रो एल टू और आई ठीक है, या इसका हम ए टू निकालेंगे तो रो टू एल टू और आई डिवाइडेड बाय इसका हो जाएगा कितना भी। अब देखिए इसमें अगर हम मान रखते हैं ए वन का, तो इसका मान रखेंगे तो रो का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 × 10⁻¹। अच्छा L1 दोनों का देखिए L1 और L2 दोनों का मान सेम है इसलिए यहाँ पे L रख लेते हैं, और इंटू आई वन देख लीजिए आई तो दोनों में एक ही प्रवाहित हो रहा है इसलिए इसको हम I ही रख लेते हैं ठीक है, और डिवाइडेड बाय भी दोनों का एक ही है वही रख लेते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पे अगर हम मान लिखना चाहें तो रो टू के जगह पे लिखेंगे 3.2 × 10⁻¹ इंटू एल, देखिए इसका भी वही एल टू एल के बराबर होगा, आई वही चीज हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी वही हो जाएगा
क्लियर है। अब देखिए इसमें दोनों को अगर हम तुलना करेंगे, अनुपात अगर निकालेंगे, तो ए वन डिवाइडेड बाय ए टू अगर हम निकालते हैं तो देखिए ए वन के जगह पे होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 इंटू एल इंटू, देख लीजिए यहां पे एल इंटू आई डिवाइडेड बाय भी, और फिर डिवाइड करते हैं 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 इंटू एल इंटू आई और डिवाइडेड बाय भी। अब देखिए a1 डिवाइडेड बाय a2 अगर निकालते हैं तो इसमें आप भी काट सकते हैं, एल एल भी काट सकते हैं, आई आई काट सकते हैं और ये भी काट सकते हैं। अब आया कितना 1.6 डिवाइडेड बाय 3.2, इसको अगर और भी निकाल लेते हैं तो a1 बाय a2 बराबर आता है 16 डिवाइडेड बाय 32, इसको काट लेते हैं तो आ जाता है a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर 1:2, यानी a1 रेशियो a2 बराबर 1:2। इस तरह से हम न्यूमेरिकल सवाल को हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जब अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो इसका सही आंसर लिख पाएंगे, और सही तरीके से अध्ययन नहीं करने से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक और सवाल देख लीजिए, बहुत ही ये भी आसान सवाल है। 10 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने के साथ साथ 20 ओम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो अंतिम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। देखिए इसको जोड़ा कैसे गया है वो देख लीजिए। इसको जोड़ा गया जैसे ये है, एक प्रतिरोध है, दूसरा भी प्रतिरोध है, लेकिन दोनों एक दूसरे के समानांतर क्रम में इस तरह से जोड़ा हुआ है, ठीक है, और तीसरा प्रतिरोध एक ही तो है, इसको इस तरह से जोड़ दिया, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो समतुल्य प्रतिरोध अगर हम इसका निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा, ये 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है, ठीक है। देखिए दो प्रतिरोध 10 ओम का है, लेकिन एक प्रतिरोध जो है वो 20 ओम का है, ठीक है। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध जब हम निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये दोनों प्रतिरोध को अगर निकालेंगे R बराबर तो होता है R1 प्लस R2, इसको अगर निकालेंगे तो 10 ओम प्लस 10 ओम बराबर 20 ओम, चलिए R हम निकाल लेते हैं इसका। अच्छा फिर ये प्रतिरोध R2 अगर हम देखें, ये अगर R R1 चलिए R1 नहीं बल्कि इसको R ही मान लीजिए, और इसको R2 नहीं R3 मान लीजिए क्योंकि R1 R2 हम ले लेते हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर इतना आया है और इसका जो एक R3 है वो है कितना 20 ओम, ठीक है। अब हम दोनों का समतुल्य प्रतिरोध जब निकालने जाएंगे तो लिखेंगे चूंकि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो देखिए यहाँ पे जो काम कर रहा है 1/R बराबर, यहाँ जो 1/R1 काम कर रहा है ये 1/20 प्लस 1/20, क्योंकि देखिए ये दोनों मिलकर हो गया 20, है ना, और फिर दूसरा प्रतिरोध जो है वो भी क्या है हमारा R2 बराबर 20 या 1/R इक्वल टू 20 का एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस 1 या 1/R इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 20 कट के आया 1/10 आ गया 2/20, अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए इसलिए R इक्वल टू 10 ओम, तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो आ रहा है 10 ओम और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से सारा न्यूमेरिकल इसमें देख लिए हैं और ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ नहीं है, तो इस तरह से आप इस पेपर को सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए, और इसमें अगर कहीं असुविधा हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए, तो इसका फिर अलग से भी हम वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। थैंक यू।